الذكر إن هذه تذكر فمش يتخذ الله بسبيله إن ربك يعلم أنك تخمد من سبيل من سبيل من الضغط من الله من والله النار والنار من اللي تثبت قبلهم فاخر ما تيهنا اقموا الصلاة واعطوا الزكاة واقرضوا الله मारो उसको लड़ा क्या होते साथ में نسبه بالقص من قليل عوضنا مارونا على خوكو جغلا اسكو اور تيزك ساتھ میں दोनों हाथ काट के ले लूंगा क्या है खुद बो खुद आया कोई छोड़े बच्ची के आंगों पर कौन कौन है तुम लोग हाँ कमीनो बाप का राज चल रहा तुम्हारे जकड़ो नालायकों को सबको पंखे की स्पीड कम ठहर चल रहे जोर से मारो उसको औरते से मारो उसको औरते से हटा दो उसको टूल पे से गिरा उसको नीचे गिरा उसको नाला और जोर से और जोर से मारो उसको मारने की पाओ उसको दरवाजा खोले दो मिनट झगड़ो उसको तेज से मारो उसको चाबी पे से झगड़ो उसको जल्दी रोको साथ मारो उसको और तेज से के साथ में और जोर से और तेजी से बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जलाओ उसको तेजी के साथ में اللهم فرات السماوات والارض والظالم غوشات من الرحمن الرحيم اللهم اني احد اليك في هذه الحياه الدنيا اشهد الله لا اله الا انت وحده لا شريك لك واشهد ان محمدا عبدك ورسوله فلا تكلني الله سبحانك تكلني الله نفسي تقربني الى الشر من الخير واني لا تجد الله برحمتك فاجعلني عندك احد طافي عندك احد طافي الى يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين चलो अभी इसके हाथा काटने वाली फौज को बुलाओ इन सब के हाथा काट के उन्होंने को और उनके मुंडिया काट के बाहर टांग देंगे पूरे उसको जो परेशान कर रहे तो घरों में आके क्या तकलीफ दे रहे थे उसके घर में उसको तुम हाँ मार के ले जाने का साथ में जल्दी मेरे पास टाइम नहीं जल्दी मेरे सवाल के तौर पर काट दूंगा तुझे अरे साहब भी कैसी मार पड़ रही देखे नहीं उसको वो हाथा कतर के खत्म कर देने का सोच रहा हूँ मैं कर दू पानी लो उसके पेट में आग लगाओ जल्दी से तेजी के साथ जलाओ उसके पेट में आग लगाओ हाँ जकड़ो उसको और तेजी से भी जकड़ लो कमीने के कहाँ से आता सही से बोल शमशान से कब्रिस्तान से नहीं, 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 नहीं,
मेरी अम्मी, अम्मी जी मैं उधर से अगर सही सही ना ना मैं दोनों क्यों पानी क्या हमरा चालू है ये जो मसला है तो अब थोड़ा पीछे बढ़ा दो मित्र का कि ये जो मसला है तो इसको तीन अलग अलग किस्म के लगा लिए बच्ची को, एक है बाला वाला, एक है एक आंख वाला उसके एक आंख बीच में है और एक है मरे वाला कोई किन्नर अदर जेंडर जो है तो वो लगे आ रहा है उसको कुछ तो भी, तो ये तीन मिलके उसको परेशान कर रहे बहुत ज्यादा ऊपर रात में दिन में, और अभी बात मत करो उसको आंख पे वो तो उन्हें जो तरीके रहते जो पार्ट्स रहते जो काटने कटाने के तो बहुत सारे राज है, बहुत सारे बातें थी, मगर मुसलमानों को तुम लोगों के वास्ते में एक बात बार बार बयान करता कि जो नाम पढ़ दो जो ना मांगे सीख वो दर दर मांगे भीख, हदीस और कुरान के अंदर आ गया कि जादू है और जादू का जिक्र आ गया, अल्लाह ने फरमा दिया तो हमारा ईमान है उसके ऊपर, शैतान भी है बोलकर ईमान है, फरिश्ते भी है बोलकर ईमान लाए हमने, अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर खातिमुज़्ज़मा अव्वल व आखिर है बोलकर हमने ईमान लाए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह एक है बोल के भी हमने ईमान लाए, खुदा एक है जो सारे जग का पालनहार है, जो हर दुनिया के कंड कंड में जर्रा जर्रे में मौजूद है, और वही दिन को रात में बदलता और रात को दिन में बदलता, वही जिंदे को मुर्दा करता मुर्दे को जिंदा करता, वही बेजान चीज से जानदार चीज पैदा करता और जानदार चीज से बेजान चीज पैदा करता, जानदार मुर्गी से बेजान अंडा पैदा करता, बेजान अंडे से जानदार मुर्गी पैदा करता, वही है जो आसमानों से बारिश गिराता जमीन से तुम्हारा को अनाज उगा के देता, तो अभी आइए आला रब्बी कुमा तुका जिबान, और तुम खुदा की कौन कौन सी नियामतों को झुठलाओगे लोगों, तो इसलिए खुदा का शुक्र अदा करो, अल्लाह हमको जन्नत देगा, हम नमाज पढ़ेंगे तो ये कौन सा तरीका है तुम्हारा नमाज पढ़ने का करम के, चलो शर्म करो, खबर के अंदर अगर तुम जाएंगे तो तुम्हार को इस वास्ते तुम नमाज पढ़ रहे कि तुम्हारा जन्नत होना बोल के, जन्नत होना बोल के तुम पांच टाइम की नमाज पढ़ रहे, अरे अल्लाह के लव में और उसके गर्ज में इबादत करो, अल्लाह के लव में फना हो जाओ, खुद गर्ज लोगो शर्म करो, तुम इतनी कैसी खुदगर्जी कर रहे कि खुदा से भी इबादत करने जाएंगे तो तुम खुदगर्जी कर रहे, चलो चलो साथी नमाज पढ़ने चलो, नमाज पढ़े तो जन्नत देगा, अरे मैंने बचपन में जो बोल दिया था बोला बहुत गलत टॉपिक यूज कर रहे तुम, जन्नत की लालच दे के नमाज पढ़ने ले जा रहे, फिर अल्लाह बोलेगा जाओ वो जन्नत से अजर लो, जाओ वो जन्नत को मौत देती क्या उन्हें देखेंगे, जन्नत की कोई औकात नहीं अल्लाह के सामने, हर चीज अल्लाह के हुक्म की गुलाम है और हर चीज पे अल्लाह कादिर है, इन्ना अल्लाह अला कुल्ली शयइन कदीर, अल्लाह ने कुरान के अंदर भी फरमा दिया कि अल्लाह हर चीज पे कादिर है, अल्लाह हर चीज पे कादिर है, तुम अल्लाह से इबादत कर रहे तो उसके लव में इबादत करो, उसकी मोहब्बत में इबादत करो, जब तो फिर अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया ना अकल के अंदर लोगो, क्योंकि उसको मालूम था तुम उसकी इबादत नहीं करने वाले थे, उसको मालूम था कि तुम दिल से उसकी इबादत नहीं करने वाले थे और तुम उससे दिल से नहीं डरने वाले थे, तो अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया, अला इन औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, हकीकतन मानू में अल्लाह फरमाता है जो अल्लाह से डरता है वो अल्लाह का वली, और हकीकतन मानू में अल्लाह की इबादत करता है तो वो अल्लाह का वली, अल्लाह का वली जन्नत लेने के वास्ते इबादत नहीं करता, साथी नमाज पढ़ लो जन्नत मिल जाएगी, ये कौन सा वर्ड यूज कर रहे तुम, ये शिर्क वर्ड हो रहा ना, ये तो तुम इस खुद बोल रहे ना कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना शिर्क है, तो तुम इबादत के साथ जन्नत को शरीक कर दे रहे, हमारा को शिर्क करना बोल रहे तो नामा बुला के किताबा पढ़ा रहे शिर्क शिर्क, और खुद कर रहे तो गया शिर्क सबसे बड़ा, ये अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना शिर्क है, तुम अल्लाह से जजाए खैर नहीं मांग रहे नमाज से जजाए खैर मांग रहे, अरे रे रे रे, फिर इसका मतलब तुम क्या कर रहे, जन्नत की गर्ज से इबादत कर रहे, लालच की गर्ज से इबादत कर रहे, ऐ मतलब परस इंसान, ऐ लालची, तो कितना लालची है, खुद लालच में तू जन्नत की लालच में इबादत कर रहा और बाद में बोल रहा भी साथियों को चलो साथियां इबादत करो जन्नत मिलेंगी, इबादत करो जन्नत, अरे अकल के अंधे वली अल्लाह लोग क्या बोलते मालूम तुझे, जब तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया ना हकीकत मानू में वो इबादत कर पा अल्लाह का वली अल्लाह का, हकीकत मानू को अल्लाह से डरता तो वो अल्लाह का वली, हकीकत मानू जो अल्लाह के वली इबादत करते ना तो उन्होंने बोलते चलो चलो, वलियों को भी बोलते और दूसरे भी उनके नीचे के जो दरदात के वलिया रहते चलो इबादत करने चलो नमाज पढ़ने चलो जिक्र में खोजेंगे, जिक्र करने से अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलेंगे, जिक्र करने से अल्लाह मिलेगा जन्नत मिलेंगे नहीं सोचते, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह मिलेगा बोल के इबादत करते, ये सब जो बुजुर्गान दीन जो वली अल्लाह जो औलिया रहते औलिया इकराम, क्यों फरमाया फिर अल्लाह ने कि 70 माह से ज्यादा मैं अपने बंदे से मोहब्बत करता, कोई भी एक बंदा चाहे वो बंदा हिंदू रहो चाहे वो बंदा मुसलमान रहो चाहे वो बंदा सिख ईसाई क्रिश्चियन कोई भी रहो, सबसे 70 माह की मोहब्बत करता,
मगर वो मरने के बाद हिसाब लेगा तू क्या था, तूने शिर्क क्यों करा, तूने बुत परस्ती क्यों करा। लास्ट में तो तेरे को भी सब बता दिया था कि ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, उसकी इबादत करना है, दूसरा किसी की इबादत नहीं करना, तूने ये क्या करा बोल के फिर बोलेगा वो जब पूछेंगे उसको मरने के बाद, उसकी खबर, उसकी चिता, उसका जवाब। और अभी जो तुम हरकतें कर रहे, अभी जो तुम बातें बोल रहे, हम घर से इबादत आ कर ये जो हरकतें कर रहे तुम, तो ये तुम्हारे को क्या मिलने वाला, जन्नत मिलने वाली, जन्नत से क्या करने आ रहे लेकिन तुम। अरे जहाँ दीदार मुस्तफ़ा हो गया, तुम्हें सारी जन्नतें अता कर दिया अल्लाह ने, हर चीज अल्लाह से अल्लाह जन्नत अता कर दिया, दीदार मुस्तफ़ा मांगो, अल्लाह के हबीब का शर्फ अता कराओ बोलना, अल्लाह बशारत में खबर के अंदर तो बताने से वाले, मगर नेक मोमिन बंदे को बताएंगे ना, मुनाफिक काफिर बदमाश जेंट कमबख्त इंसान थोड़ी बताने वाले खबर के अंदर कि ये अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे अनवर है, देख तो पहचान लग गया, उसको थोड़ी बताएंगे, उसको फिर पूछेगा। नेक मोमिन बंदों को ज़ियारत करेंगे अल्लाह, और मोमिन बंदों पर अहदिन सिरातुल मुस्तकीम की राह पर चलने वालों पर इनामात रखा अल्लाह ने, फरमा दिया कैसे कैसे इनामात रखेंगा, कैसे कैसे तुमको चीज़ें दिया, तो वही तो बताया उन्होंने, फबी ये आला रबी को मातु का जिबान, और तुम खुदा की कौन कौन सी नियामतों को झुठलाओगे, इबादत कर रहे नहीं सही तरीके से, तुम्हारे से इबादत नहीं हो रही, और जो वली अल्लाह बुजुर्गान दीन है जिन्होंने इबादत में मिट गए और मिटा दिए खुद को, उनके तुम खामियां निकालते बैठते, अरे उन्होंने ऐसे अरे अभी बेटे उन्होंने ऐसी इबादत करे, उन्होंने जो 2400 घंटे उस दौर में इबादत करे, उस दौर के खाली उनके पूरे तमाम जिंदगी के बुजुर्गान दीन ने जो जिंदगी भर तमाम जिंदगी इबादत करे, उनके तमाम जिंदगी में सिर्फ 24 घंटे लाकर तुम्हारा दिए और बोले उनके जैसी इबादत करो, तो तुम ऐसा करते अम्मा, और कान पकड़ के बोलते इतना पढ़ेंगे हम मर जाएंगे ना जगह पे, बेहोश हो जाएंगे मेरे सामने, बोले तुम्हारे मुफ्ते और खारे होने तक, बोले मैं कहने आया इल्म सीखने के वास्ते, बोले इल्म सिखाओ, तो मैं बोला ठीक है मैं जो पढ़ता रोज इतना 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 पढ़ो तुम, तो क्या बोले अम्मा बेहोश हो जाएंगे, बोले जगह पे हम, तब बोलो मेरे मेरी पढ़ाई देख के बेहोश जा रहे, तो बोलिए अल्लाह और भी बुजुर्गान दीन उनके क्या मामला होंगे, कैसे उनके जिक्र होंगे, कैसे उनकी इबादत होंगे, तो इसलिए नहीं बोल सकते उनको बोल के, तो अल्लाह ने फरमा दिया ना कि मेरे वलियों के 70 माह की मोहब्बत बंदे से करता, मगर वलियों से तो इतनी मोहब्बत करता, फरमा दिया अगर उनके बारे में बुरा भी सोच लिया तूने बंदे, तो तू बादशाह रंदे, तू फकीर रंदे, तू भिखारी रंदे, तू पूरे दुनिया के कायनात की हुकूमत चलाने वाला रंदे, जमीन पे की वो जो लोगों के जिस्म पे, लोगों के जिस्म पे हुकूमत बादशाह चलाता, और लोगों के दिल पे हुकूमत बुजुर्गान दीन वली अल्लाह चलाते, लोग अपनी रूह और दिल और आत्मा वो उसके हवाले कर देते जो वली अल्लाह बुजुर्गान दीन रहते, और जिस्म पे तो हुकूमत कानून कायदा चलाता, दुनिया के तमाम कानून कायदों को जमा कर दो, दुनिया के तमाम ताकतों को जमा कर दो, तमाम राजाओं को जमा कर दो, इनकी कोई मिसाल नहीं अल्लाह के सामने, कोई ताकत नहीं है, और तुम अगर वली दुनिया की तमाम ताकत मिलके वली अल्लाह को छेड़ेंगे, तो फिर अल्लाह ने क्या बोला होगा, खुला जंग का ऐलान करता हूँ तुम्हारे साथ में, खुले जंग का, और तुम अल्लाह से जंग करके जीत सकते क्या लोगो, क्या होगा तुम्हारा आलम, तुम्हारी नस्लें मिटा देगा, तुम्हारे को कहाँ से आए थे, किधर गए थे, कुछ पता भी नहीं चलेगा, उससे पंगा लेने गए थे तो देखे ना क्या क्या वाकया हुए, नमरूद शद्दाद फिरौन हामान सबके वाकयात पढ़ लो, तुमको पता चलेगा। और बस बार बार मैं यही कहूँगा कि इबादत की राह को मजबूती से थामना, तो ये बलाएँ ये वबाएँ ये शैताना ये बहुत शर्क पसंद रहते हो, बहुत बदमाश रहते, ये तुम्हारे को लग जाते तो बहुत परेशान करते, तुम्हारी जिंदगी खराब कर देते, इसलिए इबादत ऐसी करो कि खालिस इबादत अल्लाह हम तेरे लिए कर रहे और तेरे सामने शुक्र बजा ला रहे कि तूने हमको इतने नियामतें अता करा, जीने के लिए क्या क्या नहीं दिया, इसलिए हर चीज तूने अता करा, मैं बयान नहीं कर सकता उसे नियामतें कितने दिया उन्होंने, अगर नियामतें बयान करूंगा तो कई हजारों पेज में तफसीर लिखूंगा भी तो कम पड़ जाएंगी, उसकी नियामतें खुदा ने दिया ली नियामतें, अगर पूरे समंदर की भी मैं सियाही बना दूंगा और पेन से लेके पूरे झाड़ों की कलमा बना के लिखूंगा तो उसकी नियामतें खत्म नहीं होंगी। और उन्हें सबसे बड़ी नियामत तुम्हारे को दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे को उसका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाकर पैदा करा है लोगों, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर मैं पूरे दुनिया के समंदर को भी सियाही बना दूं और पूरे झाड़ों को कलम बना के लिखूं तो भी उनकी शान का एक वर्ड जो मोहम्मद ने का जो मीम है उस पर की तशरी खत्म नहीं होंगी, तो बाकी तो छोड़ दो तुम, फिर कहाँ लिखेंगे बचने को बोचने देंगे, और पूरे आसमानों के क्या बोलते तो पेपर भी बना दिए उनकी तारीफ लिखने के वास्ते, तो तारीफ जितनी भी लिखो उतनी कम रहेंगी, और अल्लाह की शुक्र जितना भी लिखेंगे वो भी उतना कम रहेगा, इसलिए तुम कौन कौन सी नियामतों को झुठलाओगे, अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत रखो दिल में, बस आशी के रसूल बनो, तुम्हारी दुनिया आखिरत सवर गई सवर गई सवर गई, आशी के रसूलों पे कोई जादू टोना भी कार नहीं करता, और आशी के रसूल जो है तो पक्के अल्लाह वाले लोग हैं, वैसे तरीके से बनो।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार में ढलने की कोशिश करो, हदीस कुरान को फॉलो करो। मैं तुमको क्या बोलूँ उन लोगों, बोलने से ज़्यादा अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा तुम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और तुम्हारे घर में वबाओं से, शैतानों से, जिन्नातों से, बलाओं से अल्लाह तुम्हारे घर की हिफाजत करे। तुम कोई घर में अगर बला वबा घुस गई तो इतना सताती है कि जिसकी हद नहीं, तुम्हारे पूरे घरबार को सबको मार देती। बस मैं क्या बोलूँ, वो तो बहुत सारे बातें बोलने के लिए, अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए इंशाअल्लाह। और ये ऐसे जो हरकतें होती है, ये जो वाला है तो ये कौन सी थी, ये खुद ब खुद लगे वाली नहीं थी, ये लाकर पैदा करके छोड़े वाले, और एक नहीं हो तीन अलग अलग है वो। और उनके घर में नज़र भी आ रहे थे, कितने आ रहे थे नज़र, कैमरा घूमो मत, हाँ तीन, अरे घूमो मत बोला थे घुमाई, तीन आ रहे थे, एक जलेबा छक्का है वो आधी मुंडी जले सो, फिर एक आदमी है जो लंबे बाला है, उसके बालों में आंच दिखती है, उसको शक्ति मिल रही है, बोल के खुश होते हैं, और एक जो है वो बीच में आंख है, तीन अलग अलग, एक बीच में आंख वाला है वरुण, एक जले वाला है, और उसे कौन से अलग अलग बुलाए। पहले भी उन्होंने आए थे, एक डेढ़ साल पहले की बात है, तो उनके घर में दूसरे बच्ची को कुछ वो लगा था, और भी किसको मारा करा हो रहा था, तो वो सब निकाल दिया अल्लाह करम से राइट होगा बाद में। अब ये जो है, अब ये लास्ट में दूसरी बहन है के दूसरे नंबर की, तीसरे नंबर की, जो भी एक सौ आठ दूसरे तीसरे नंबर की कोई, तो भी उसके आंग में भी आके तीसरी दास्तान लगाए, कौन लगाए, क्या लगाए, नामा तो नहीं छुपने वाले, और मैं अगर पलटा के मारने का हुक्म दूंगा तो फिर कोई बचेगा नहीं, फिर नामा फूल बदबख्तों, तुम्हारी फिर कोई हैसियत नहीं है, तुम जो इतने उड़ा मार रहे, जादूगरों के पास जा रहे, हदीस में साफ मना करे अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वली अल्लाहों के दरों पे जाएंगे तो तुम्हारी दुनिया और आखिरत सवर जाएंगे, अल्लाह खुद फरमा रहा कि मेरे वलियों के, मेरे नेक बंदों के बोला उन्होंने, वलियाँ तो नहीं छोड़ दो तुम, नेक बंदों की सोबत में अगर अल्लाह वालों की सोबत में बैठेंगे तो एक लम्हा ऐसा बैठेंगे तुम तो एक लम्हा साठ साल की इबादत का सवाब दूंगा, और वली अल्लाहों की सोबत में बैठेंगे तो कितना सवाब मिलेगा तुम खुद सोचो, बयान नहीं कर सकते। और जादूगर के सोबत में बैठेंगे तो फिर तो तुम्हारी साठ साल की इबादत भी गई, जिंदगी भर की भी इबादत गई, तुम इबलीस के पुजारी बन गए शैतान के, और शैतान के साथी बन गए तुम, फिर लानत होकर तुम गर्क हो जाएंगे। अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। टाइम कम है इसलिए मैं इन शॉर्ट में रोक दो, चलो।